जगदलपुर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर ने साइकिल से शहर का भ्रमण किया। कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने दलपत सागर में चल रहे कार्यों का भी जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ चर्चा भी की, शहर में और क्या क्या समस्याएं हैं इसका भी निरीक्षण किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि जल्द ही जगदलपुर शहर का एक नया रूप सामने आएगा, दलपत सागर में भी अच्छा विकास देखने को मिलेगा। जैसा हम जान रहे हैं शहर में बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सभी का क्या अभी स्टेटस है, उसको शीघ्र कैसे पूर्ण किया जाए, उसके संबंध में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे समस्त अधिकारी उपस्थित थे। विशेषकर दलपत सागर जो कि शहर का एक इम्पॉर्टेंट पर्यटक स्थल है, उसको भी बेहतर रूप से डेवलप करने के लिए, साथ ही जो शहर में अलग अलग चौक चौराहे हैं जहाँ ट्रैफिक की परेशानियाँ होती हैं, उसको लेकर भी नगर निगम और ट्रैफिक के अधिकारी मौजूद थे। उसको भी किस तरह से बेहतर किया जाए उसके संबंध में भी चर्चा की गई और उसको शीघ्र कैसे पूर्ण किया जाए इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। आज एस पी साहब, नगर निगम कमिश्नर, पीडब्ल्यूडी और अन्य सभी अधिकारियों के साथ दलपत सागर और आसपास का दौरा किया और ट्रैफिक को लेकर के जो पिछले कुछ दिनों पहले माननीय सांसद महोदय के साथ, विधायक महोदय के साथ और मेयर मैडम के साथ जो बैठक हुई, उसको भी लेकर के एक विस्तृत चर्चा आज दलपत सागर में बैठकर की गई। और हमें पूरा यकीन है कि जितने जिस तरह से सभी विभाग मिलकर के काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जगदलपुर शहर का एक नया रूप निकल के आएगा और विशेष रूप से दलपत सागर में भी एक अच्छा विकास देखने